न्यायालय में विचाराधीन तीन प्रकरणों में समझौता हो गया है। हालांकि एक प्रकरण में पत्नी ने खाना खर्च के लिए दावा पेश किया था और न्यायालय उसके पक्ष में फैसला सुनाता है, इससे पहले ही पति ने समझौता कर लिया। न्यायालय में लंबे समय से विचाराधीन प्रकरणों के समझौता होने के बाद सभी परिवार हंसी खुशी अपने घर परिवार के साथ वापस लौट गए हैं। वहीं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं और न्यायालय ने भी आपसी रजामंदी के चलते परिवार टूटने से बचाने में पहल करने वालों की प्रशंसा की है। जिला न्यायालय के कुटुंब न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के संबंध में अधिवक्ताओं ने जानकारी दी है। आइए देखते हैं किस तरह से प्रकरण विचाराधीन रहे और कैसे आपसी सहमति से परिवार टूटने से बचे। ये आज ये फैमिली कोर्ट में इनका चल रहा था प्रकरण, 2019 से चल रहा था और बीच में कोरोना के टाइम पे भी था, तो यहाँ पर एक आवेदिका थी 125 का चल रहा था और हम आवेदक की ओर से थे और ये वहाँ सेक्शन 9 का वहाँ सिरमौर में चल रहा है था, तो दोनों के बीच में हम लोग ने काफ़ी प्रयास करके जो है धीरे धीरे करके अब 2022 में आज दिनांक को ये हमारा ये राजीनामा हुआ है इनका 13/8/2022 में, और बहुत दोनों का एक बेटा है और दोनों अपने राजीनामा से बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं। ये जो समझौता हुआ है, धारा 10 का एक आवेदन था जो आवेदक अनिल विश्वकर्मा ने लगाया था और उसको उनने वापस ले विड्रॉ किया है कि हम अपनी पत्नी को अपने साथ ले जा रहे हैं, और अनावेदिका अन्नू विश्वकर्मा ने 125(3) का वसूली का आवेदन लगाया था जिसमें वसूली लगभग वसूली के लिए आवेदन था जिसमें वसूली की कार्रवाई चल रही थी, और एक और मामला था जिसमें गार्जियन एंड वार्ड के तहत दोनों उभय पक्षों से एक बच्ची थी जो उनको लेने के लिए आवेदन लगाया गया। बस ये दोनों तीनों प्रकरण में समझौते हो गए हैं। ये पति पत्नी के रूप में दोनों लोग एक साथ रहना चाह रहे हैं, हम लोगों ने सहयोग किया, माननीय न्यायालय ने सहयोग किया, जिनके सहयोग से ये मामला समझौते की हम लोग आगे।